भाई जहाँ एक तरफ मामा भांजे के नाम पर कई ज्यादा कॉमेडी की जाती है, तो उन्हीं मामा भांजे के बीच में काफी अरसे से बन नहीं रही है। अब हाल ही में कृष्णा अभिषेक ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में अपने मामा गोविंदा को लेकर क्या कहा है, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, कृष्णा अभिषेक ने जब इंटरव्यू दिया है उससे पहले गोविंदा ने भी इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में गोविंदा ने इस बात को क्लियरली कहा था कि उनके और कृष्णा अभिषेक के बीच के रिश्ते जो है वो सही नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि भाई कृष्णा ऐसे कैसे कर सकता है या ऐसे कैसे करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही सुलझा और एक अच्छा इंसान है। अब इसी बीच कृष्णा अभिषेक ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही है, जहां पर उन्होंने कहा कि देखो हमारे और उनके रिश्ते में देखिए खटास है, कोई उसमें वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात दरअसल ये है कि मैं जब भी मीडिया से कोई बात करता हूँ या उनके बारे में मुझसे कोई सवाल पूछा जाता है तो मेरी आधी बात को उठाया जाता है और आधी बात को नहीं उठाया जाता। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कहा है कि आई लव माय मामा, साथ ही साथ मेरे को ये भी कहा है कि भाई वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो आई लव माय मामा वाली जो लाइन है कोई उठाएगा ही नहीं, सीधा मामा ऐसा क्यों करते हैं ये वाली हेडलाइन बना के जो डाल देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार मीडिया से बार बार बात करके मीडिया के साथ में डिस्कस करने से बेटर होगा कि मैं उनको इंस्टाग्राम पर लाइव बात कर लूं। जी हाँ, इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की वजह से उनका और उनके मामा का रिश्ता जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रहा है। अब आप लोगों से जानना चाहूंगी इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कपिल शर्मा शो में गोविंदा अपनी वाइफ सुनीता के साथ में दो बार आ चुके हैं और इन दोनों ही बार में कृष्णा अभिषेक शामिल नहीं थे। राय आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।